चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर की एक और झलक देखने की करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि उसके ऑर्बिटर पर लगे कैमरे में विक्रम दिखाई नहीं दिया है। गौरतलब है कि नासा का लूनर रेजोनेंस ऑर्बिटर मंगलवार को विक्रम की लैंडिंग साइट के ऊपर से गुजरा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर जोगुआ ए हंडल ने बताया, नासा के ऑर्बिटर ने विक्रम की लैंडिंग साइट की तस्वीरें ली हैं, लेकिन लैंडर की लोकेशन का ठीक पता नहीं था, इसलिए कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू में विक्रम नज़र नहीं आ रहा है। हंडल ने बताया, 17 सितंबर को जब एलआरओ विक्रम लैंडर की साइट से गुजरा, उस वक्त चंद्रमा पर शाम हो रही थी। अधिकांश जगह को लंबी लंबी परछाइयों ने ढक लिया था। हो सकता है विक्रम भी परछाई में छिप गया हो। बता दें, 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरने से ठीक पहले लैंडर विक्रम का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया था। दोबारा संपर्क स्थापित करने की तमाम उम्मीदें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पर जाकर टिक गई थी, जो अब धराशायी होती प्रतीत होती हैं। हंडल ने कहा, नासा का ऑर्बिटर विक्रम की लैंडिंग साइट से अब 14 अक्टूबर को गुजरेगा। उस वक्त चांद पर दोपहर रहेगी, इसलिए प्रकाश अच्छा होने से विक्रम की तस्वीर मिल सकती है। रोवर केवल एक चंद्रमा दिवस के लिए प्रयोग करने वाला था। एक चंद्रमा दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 21 सितंबर को चांद पर रात हो जाएगी और चंद्रयान 2 मिशन के पूरा होने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी।